स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में औरैया के रणबांकुरों से इतिहास भरा पड़ा है। 12 अगस्त 1942 को औरैया के क्रांतिकारियों ने सदर तहसील पर लगे यूनियन जैक को उतार कर तिरंगा फहरा दिया था। इस घटना में अंग्रेजों की गोलीबारी में ज़िले के 6 क्रांतिकारियों की जान चली गई थी। ज़िला प्रशासन ने इस बार शहीदों की याद में सदर तहसील परिसर में शहीद स्तंभ बनाकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर 12 अगस्त 1942 की दोपहर क्रांतिकारियों का एक जुलूस अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ सदर तहसील पहुंचा। उस समय वहां मौजूद थाना इंचार्ज जगन्नाथ सिंह और दरोगा रामजी लाल ने जुलूस में शामिल छात्रों से शांतिपूर्वक जुलूस वापस ले जाने के लिए कहा, लेकिन योजना के तहत छात्र तहसील भवन पर तिरंगा फहराने के लिए और तहसील की छत पर लगे यूनियन जैक को उतारने से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो उन छात्रों को जब छत पर जाने का रास्ता नहीं मिला तो उस जुलूस में शामिल कौशल किशोर शुक्ला, मंगली प्रसाद आर्य, उस समय के निर्माणाधीन AB स्कूल जो कि वर्तमान में तिलक इंटर कॉलेज के नाम से है, जहाँ से वो बड़ी सीढ़ी उठा लाए। इसके बाद तहसील भवन की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने लगे। ये देख मौजूद अंग्रेजी पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हम लोग के संज्ञान में लाया गया बैठक में कि 12 अगस्त 1942 को में उस तिथि को यहाँ के क्रांतिकारियों ने तहसील जो तत्समय तहसील थी उस पे यूनियन जैक को उतार करके और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे। इस बीच गोलीबारी किया सैनिकों ने, अंग्रेज सैनिकों ने, जिसमें 6 लोगों ने प्राणाहुति दी और काफ़ी लोग घायल हुए, जिसमें 9 लोगों के नाम संज्ञान में है। तो ये 6 शहीद और 9 घायल, इन लोगों के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसका लोकार्पण किया जा रहा है और हम यही उम्मीद करेंगे कि सारे लोग यहाँ पे एक दीप शाम को जला करके इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। औरैया के इतिहास में 12 अगस्त 42 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी श्रद्धा से उनको नमन करते हैं।